मान्यवर शरद पवार जी देश के राष्ट्रीय नेता है, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर ये सवाल पैदा क्यों हो रहा है? भाई वहाँ तो उत्तर भारत के लोगों के साथ राजनीतिक दुर्व्यवहार करना ये कार्य संस्कृति रही है, तो महाराष्ट्र के अंदर यह सवाल अगर हो रहा है तो आप एक बड़े राजनीतिक दल के एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं, तो आपको ऐसे मामले में जो कोई अगर सामाजिक विभेद की घटना हो रही है तो सामाजिक समरसता पहले तय करिए, तब राजनीति की दिशा तय करिएगा। लोकसभा में बजट सत्र को लेकर राहुल गांधी आज अपना बात रख सकते हैं। मान्यवर राहुल गांधी जी बजट पर अगर लोकसभा में अपनी बात रखेंगे तो हमारी उम्मीद है कि इंडी गठबंधन के घटक दल जो बिहार के हैं, खास करके लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव, और साथ ही साथ वामपंथी पार्टियां, इन लोगों ने सीधा आरोप लगाया है कि यह जो केंद्रीय बजट है यह झुनझुना है, और आप कहते हैं कि केंद्रीय बजट बिहार और आंध्र प्रदेश को खुश करने के लिए, सहयोगी को खुश करने के लिए। तो हमारी उम्मीद है कि लोकसभा में आज इंडी गठबंधन के इन नेताओं का, लालू प्रसाद हो, तेजस्वी यादव हो, वामपंथी पार्टियां हो, इनकी सार्वजनिक आलोचना से आप परहेज नहीं करिएगा। 2 अक्टूबर को जन स्वराज अभियान राजनीतिक पार्टी बनने जा रही है। अरे भाई, तो राजनीति तो उनका पहले व्यवसाय रहा है, अब वो व्यवसायिक हितों पर, चूंकि विभिन्न राज्यों में उनके नेतृत्व में हार हुई तो अब तक नारा गढ़ते थे, नारा बनाते थे, अब जनता की अदालत में जाएंगे। लेकिन अनुभव इस बात का है कि विभिन्न राज्यों में चुनावी प्रबंधन का जिम्मा तो लिया, लेकिन जिनके लिए जिम्मा लिया वो राजनीति में असफल भी रहे हैं। तो हमारी उम्मीद है कि मिश्रित सफलता और असफलता की बुनियाद पर बिहार की राजनीति में आ रहे हैं। हमारी उम्मीद है कि उनको भरोसा यह देना चाहिए कि धनबल और बाहुबल को तो प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं। 17 अगस्त से तेजस्वी यादव बिहार की यात्रा पर निकल सकते हैं। कि मान्यवर तेजस्वी यादव लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से उनको हार का सामना करना पड़ा, और अति पिछड़ा समुदाय के मुकेश सहनी की पिता की दुखद मौत के बाद उनके घर नहीं जाना, संवेदना में 14 घंटे के बाद ट्वीट किया जाना, और हमारी उम्मीद यह भी है कि तेजस्वी यादव पर मुंडे फलाहार आपका आदत है, पिछले बार आपने यात्रा की थी, एक अति पिछड़ा समुदाय का व्यक्ति जो पटना जिला का रहने वाला था, जिसका मैंने उद्भेदन किया था कि वह बीपीएल धारी था, राशन कार्ड धारी था, उसके नाम पर बैंक से लोन लेकर करके उसकी सवारी पर आप चढ़े थे, बस की सवारी किया था, और यात्रा भी आप पूरा नहीं करते हैं। इसलिए हमारी उम्मीद है कि अब राजस्व विभाग पूरे बिहार में जमीन का सर्वे करवा रहा है, तो इस दौरान मुजफ्फरपुर में, औरंगाबाद में, गोपालगंज में, पटना में जो अपना जमीन का रकबा उकबा है, सर्वे में जमाबंदी, अपना खाता नंबर, खसरा नंबर को भी ठीक करवा लीजिएगा, नहीं तो सरकार की कड़ी नजर है। चिराग पासवान ने कहा है कि राजद और कांग्रेस के लोग बिहार की चिंता नहीं करते और उनको बिहार के विकास से कोई मतलब नहीं है। तो स्वाभाविक है, माननीय चिराग पासवान ने जी ने अगर कहा है तो जिस ढंग से 56,000 करोड़ का जो हमको पैकेज मिला, और वो पैकेज हमारा हक है, वो पैकेज मिला और जिस ढंग से उसका उपहास उड़ाया राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस ने, तो ये बिहारी होने का कहाँ इन लोग को दम भाई। ये लोग तो सीधे तौर पर राजनीतिक ईर्ष्या करते हैं, और मनभेद और मतभेद दोनों अलग अलग होता है। इन लोगों को बिहार से मतभेद भी है, बिहार से मनभेद भी है।